अंगूठे अमृत वसे, यह श्लोक 11 बार बोलना है, 7 बार आज्ञा चक्र अर्थात कपाल के मध्य में दोनों अंगूठे रखिए। अंगूठे अमृत वसे लब्धि तणा भंडा, श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फल दाता। अंगूठे अमृत वसे लब्धि तणा भंडा, श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फल दाता। अंगूठे अमृत वसे लब्धि तणा भंडा, श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फल दाता। अंगूठे अमृत वसे लब्धि तणा भंडा, श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फल दाता। अंगूठे अमृत वसे लब्धि तणा भंडा, श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फल दाता। अंगूठे अमृत वसे लब्धि तणा भंडा, श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फल दाता। अंगूठे अमृत वसे लब्धि तणा भंडा, श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फल दाता। विशुद्धि चक्र अर्थात गले पर दाया हाथ रखिए, बाया हाथ घुटने पर ही रहेगा। अंगूठे अमृत वसे लब्धि तणा भंडा, श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फल दाता। दाया हाथ अनाहत चक्र अर्थात कलेजे के पास। अंगूठे अमृत वसे लब्धि तणा भंडा, श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फल दाता। दाया हाथ मणिपुर चक्र पर अर्थात नाभि के ऊपर। अंगूठे अमृत वसे लब्धि तणा भंडा, श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फल दाता। दोनों हाथ घुटने पर खुले हुए आसमान की तरफ। अंगूठे अमृत वसे लब्धि तणा भंडा, श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फल दाता। अंत में दोनों हाथ जोड़कर मसलना है और मसलने के बाद दाएं अंगूठे से अपने ही मस्तक पर तिलक करना है।